हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे स्टडी न्यूज चैनल पर स्वागत है। जिस तरह हर देश का इतिहास होता है, उसी तरह उन देशों के नामों के पीछे भी कई कहानियां होती हैं कि उस देश का नाम कैसे पड़ा। इसी तरह आज हम जानेंगे कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा और अमेरिको वेस्पूची कौन थे जिनके नाम का प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। अमेरिको वेस्पूची का जन्म 9 मार्च 1451 में फ्लोरेंस में हुआ था, जो इटली का एक शहर है और पुनर्जागरण कला और शिक्षा का केंद्र है। इनके पिता का नाम नास्तागियो वेस्पूची और माता का नाम लिजा डी जियोवानी मिनी था। अमेरिको के दो बड़े भाई थे, एंटोनियो और गिरोलामो, और अमेरिको की पत्नी का नाम मारिया सेरेजो था, जो एक स्पेनिश थी। अमेरिको और उनके भाइयों के बड़े होने पर उनको एजुकेशन के लिए पीसा विश्वविद्यालय भेजा गया। सौभाग्य से जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उस समय उनके चाचा वहीं थे। इनके चाचा काफ़ी प्रसिद्ध मानवतावादी विद्वानों में से एक थे। इनके चाचा जियोर्जियो एंटोनियो ने अमेरिको को काफ़ी कुछ सिखाया। उन्हें साहित्य, दर्शन, बयानबाजी और लैटिन भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया। उन्हें भूगोल और खगोल विज्ञान से भी परिचित कराया। ऐसे विषयों का ज्ञान दिया जो आगे चलकर उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए। इस तरह अमेरिको वेस्पूची को ज्योतिषी शास्त्र का अच्छा ज्ञान भी हो गया। अपने ज़माने में ये अक्षांश देशांतर की गणना में सबसे कुशल व्यक्ति थे। इस तरह धीरे धीरे इनकी रुचि भूगोल के अध्ययन में हो गई और इन्हें ग्लोब, रेखाचित्र, मानचित्र का भी अच्छा ज्ञान हो गया। अमेरिको एक कुशल मानचित्रकार भी बन गए। 1490 में अमेरिको स्पेन चले गए थे, जहां इन्होंने सेविले में उसी जगह काम किया जहां मुख्य रूप से जहाज़ों का काम होता था। वहां पर इन्होंने जहाज़ों के मॉडलों का काफ़ी अध्ययन किया, नेविगेशन और खगोल विज्ञान में महारत हासिल की और कई मानचित्र बनाए। 1492 में इन्होंने स्पेनिश नौसैनिक सेवा में शामिल कर दिया गया, जिससे इनको क्रिस्टोफर कोलंबस के दूसरे व तीसरे अभियानों के संगठन में शामिल होने का मौका मिला। इसके साथ उनकी दोस्ती भी और अच्छी हो गई। अब जानते हैं इनकी यात्राओं के बारे में। इनकी पहली मुख्य यात्रा 1499 से 1500 तक थी। इस यात्रा में अमेरिको अलोंसो आजेदा के अभियान में एक नाविक थे। ये दो जहाज़ों का अभियान था जो दक्षिण अटलांटिक के लिए गया था। ये अभियान गर्मियों में शुरू हुआ था, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट के पास पहुंचा। वहां पहुंचने पर ये दो जहाज़ अलग अलग दिशा में जाने के लिए विभाजित हुए। वेस्पूची दक्षिण पूर्व में चले गए और जुलाई को उसने अमेजन डेल्टा खोजा, वहाँ का पूरा विवरण किया। फिर वो सैन मार्कोस की घाटी की तरफ गए। वे अपना अभियान आगे के लिए जारी रखा। इन्होंने गुयाना की खोज की, वहाँ से वेस्पूची वापस मुड़े और दूसरे जहाज़ों के साथियों अलोंसो से मिले और वहाँ से साथ में आगे बढ़े। उन्होंने साथ में पराग्वाना, गुजारी प्रायद्वीप का साथ में विवरण किया। इन्होंने काफ़ी लंबी यात्राएं की और 1500 में स्पेन वापस लौट आए। इनकी दूसरी यात्रा 1501 से 1502 के बीच थी। इस दूसरी यात्रा में वेस्पूची तीन जहाज़ों के साथ एक खगोल शास्त्री, नाविक और ऐतिहासिक लेखक के रूप में पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू होने के बाद ये दक्षिण अमेरिका के तट पर पहुँचे। वहाँ से उन्हीं जगहों पर दोबारा गए जहाँ पर ये अपनी पहली यात्रा के दौरान गए थे, और इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पृथ्वी की प्लेट्स अभी भी उसी दिशा में फैल रहे हैं जिस दिशा में वो पहले फैल रहे थे। और ये जानने के बाद वापस पुर्तगाल पहुँच गए, जहाँ से यात्रा शुरू की थी। वहाँ से सितंबर में वापस स्पेन लौट आए। इनकी तीसरी यात्रा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी शुरुआत 1503 में 1504 के बीच हुई थी। वेस्पूची ने इस बार 6 जहाज़ों के साथ अपने यात्रियों को लेकर इस अभियान में गए
और इनके साथ खोजे गए असेंशन द्वीप के पास इनकी एक जहाज डूब गई और तीन जहाज गायब हो गई। काफ़ी परेशानियों के साथ वेस्पुची के आदेश पर बचे हुए लोग ब्राज़ीलियाई हाइलैंड्स की खाड़ी की चढ़ाई की और देश के आंतरिक भाग में 250 किलोमीटर तक अंदर घुस गए। वहां पर 5 महीने तक रुके, फिर वहां से 1504 में वापस स्पेन लौट गए। इसी दौरान वेस्पुची ने दक्षिणी ट्रांसएटलांटिक महाद्वीप के रूप में एक नई भूमि को खोजा, जिसे इन्होंने नई दुनिया के नाम से बुलाया। वहां से एक पत्र में इसका विवरण करके वापस अपने देश भेजा और 1507 में लॉरेन कार्टोग्राफर ने कोलंबस की दुनिया के चौथे हिस्से की खोज के लिए वेस्पुची को सम्मानित करते हुए इस महाद्वीप का नाम अमेरिका रख दिया, जो अमेरिको वेस्पुची के नाम पर पड़ा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुची के नाम से जुड़ा हुआ है। और 1508 में इन्हें स्पेन राज्य का मुख्य संचालक नियुक्त किया गया और आगे कई वर्षों तक इस पद पर रहते हुए इन्होंने कई नए अभियानों में हिस्सा लिया। आगे भी ये कई यात्राएं करना चाहते थे, लेकिन 22 फरवरी 1512 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी अमेरिको वेस्पुची के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।